लेकिन अब तो आपने देखा चिंचियां भी चलना शुरू हो गई हैं। दो तो चाचे टीटी ने डाली हुई हैं। थोड़ी दूर चलना पड़ता है लारी अड्डा के लिए, फिर आ जाती है, मिल जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलती। चाची कर्मा वाली है ना, घूमती रहती है घूमती रहती है घूमती रहती है। आपने तो कहा था आप दोपहर तक आ जाएंगे। एक दिन यही सकीना ने आपका इंतजार करते करते चाकू से आपका नाम खोदा था ना, इस तरह से मिटा दिया आप ने। उसका बस नहीं चलता, इस बेचारे दरख्त को काट ही डालता। उसने मकसूद साहब आपका नाम अपने चाकू से चीर डाला। कहते है जरा आए तो मेरे सामने मकसूद, उसको भी ऐसे ही चीर डालूंगा। जुबान का तेज है लेकिन खरा है, पक्का रहता। रे मकसूद साहब रुकिए, कोई गल नहीं, बस चिंची से पक्की सड़क पकड़ लो ना, दूर से हमारा पिंड नजर आता है। बड़े बड़े पिपल के दरख्त हैं वहां पे, हर आने जाने वाला जो है ना उसके साये में बैठता है। उसी दरख्त के पीछे खड़े होकर उनका इंतजार करती थी सकीना, और जब वो पहुंच जाते तो कहती, ये तो खासा गंदा है, कब से बंद पड़ा है ये? यही कोई 3-4 साल हो गए होंगे। तभी किराए भी कम मांग रहे, तुम यहाँ कैसे रहोगे? ये घर तो इस काबिल ही नहीं है कि कोई यहाँ रहे। तो तुम बना दोगी ना रहने के काबिल, मुझे भी तो जीने के काबिल बना दिए। वरना मैं जब उस छोटे शहर से इस बड़े शहर आया था, लगता था गुम जाऊंगा, मुझे कोमोने से बचा लिया, ये भी कर लूंगी। इतना रोमांटिक होने की क्या जरूरत है इसको? क्योंकि इस गंदे से फ्लैट में ये खिड़की तो सबसे अच्छी जगह है, जहाँ पे खड़े होके हम अपनी जिंदगी को देखेंगे। मकान मालिक को बताया कि हम 6 महीने का डिपॉजिट नहीं दे पाएंगे। हाँ यार की तो थी, तुम भी एक दफा कर लेना ना। खूबसूरत लड़कियों की बात जरा ऐसे मर्दों को ज्यादा जल्दी समझ आती है। रकीब से